नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। पिछले वीडियो में जो कि सवाल जवाब का वीडियो था, उसमें हमने एपिसोड नंबर 15 के जो सवाल थे उन्हें लिया था। आज के इस वीडियो में भी एपिसोड नंबर 15 के ही सवालों को लिया जा रहा है, क्योंकि कुछ सवाल रह गए थे। हालांकि हो सकता है कि अभी और कुछ सवाल रह गए हों जिन्हें आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले वीडियोस में भी लिया जाएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, सवाल जवाब सीरीज के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। उसका जवाब मैं आपको ज़रूर से आने वाले एपिसोड्स में दूंगा। हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन उनका जवाब आपको ज़रूर से मिलेगा। यदि वो जो सवाल है वो सार्वजनिक है, यदि वो सवाल आपके पर्सनल नहीं है, यदि वो सवाल आपकी पर्सनल बर्थ डिटेल से रिलेटेड नहीं है, तो उसका जवाब आपको ज़रूर से दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर अब आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है मयंक जी का। मयंक जी कहते हैं, सर मीन लग्न की कुंडली में फिफ्थ हाउस में मंगल, पांचवें भाव में मंगल नीच के होकर के बैठे हैं और नाइन्थ हाउस में चंद्रमा नीच के होकर के बैठे हैं, तो क्या ये राशि परिवर्तन योग बनेगा या फिर नीच भंग राजयोग बनेगा, ये बताएं। तो देखिए मयंक जी, नीच भंग राजयोग इसे नहीं कहते हैं, ये नीच भंग राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन हाँ राशि परिवर्तन जरूर से यह है। राशि परिवर्तन होगा और यहां पर राशि परिवर्तन का एक फायदा जरूर से मिल सकता है, संतान प्राप्ति के बाद इंसान का जो भाग्य है वो उदय होता है। इंडिविजुअली तो मैं कोई फायदा यहां पर नहीं गिना रहा हूं, क्योंकि दोनों ही नीच राशि है। भले ही राशि परिवर्तन हुआ लेकिन कोई खासा फायदा यहां पर होना नहीं है। संतान प्राप्ति के बाद इसको जरूर से भाग्य उन्नति महसूस होती है, तो नीच भंग राजयोग नहीं है। दीपक जी मुझसे सवाल करते हैं कि मारक ग्रह छठवें आठवें बारहवें में हो तो उस ग्रह का क्या करें और उसको ठीक कैसे करें। तो देखिए मारक ग्रह अधिकतर छठवें आठवें या बारहवें में होते हैं, तो वो विपरीत राजयोग की स्थिति बनाते हैं। यदि आपको विपरीत राजयोग नहीं पता क्या होता है, तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर के विपरीत राजयोग नाम से वीडियो आपको मिलेगा, उसे देख सकते हैं और आपको वो समझ में आ जाएगा कि विपरीत राजयोग क्या होता है। लेकिन हो सकता है कि भाई मारक ग्रह भी छठवें आठवें बारहवें भाव में हो और विपरीत राजयोग का स्थिति को निर्मित ना करें, तो यहाँ पर आप जो है उनका उपाय कर सकते हैं। आप देखिए कि कौन से मारक ग्रह हैं और उस मारक ग्रह के उपाय करने के लिए आप इसी चैनल पर, VS एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, उपायों की सीरीज में जाइए और उपायों की सीरीज में जा करके आप उस ग्रह का उपाय कर लीजिए, जो कि मैंने जैसा जैसा बताया है उस तरह से बिल्कुल आसान है। नीरज जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर कुंडली में सबसे अच्छी युति और सबसे खराब दोष कौन सा है। बहुत अच्छा सवाल है नीरज जी आपका। देखिए सबसे अच्छी युति तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक युति नहीं है। गुरु चंद्र भी बहुत अच्छा फल दे जाते हैं, सूर्य बुध भी बहुत अच्छा फल दे जाते हैं, मंगल चंद्र भी बहुत अच्छा फल दे जाते हैं, कभी कभी शुक्र और चंद्र भी बहुत अच्छा फल दे जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी एक युति का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। कई युतियाँ होती हैं जो कि योग भी बनाती है और बहुत अच्छे फल भी आपको देती है। लेकिन हाँ, एक सबसे खराब दोष जो है, जो मैंने अभी तक देखा है, हालांकि दूसरे दोष भी होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से केंद्रम योग जो होता है या केंद्रम दोष जो होता है वो सबसे खराब दोष माना जाता है। क्योंकि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसे लगता है कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ कमी है। मानसिक तौर पर वो ज्यादा परेशान होता है, और जो इंसान मानसिक तौर पर ज्यादा परेशान है, मैं समझता हूं कि वो जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरा मानना ये कि केंद्रम योग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दोष या योग होता है। हालांकि इसके अलावा और भी दोष हो सकते हैं। नीरज जी के बाद मोहिता जी ने मुझसे सवाल किया कि डियर सर, क्या लग्नेश का नीच भंग राजयोग होता है और उसकी राशि में बैठे राहु केतु फल फिर फल कैसा देंगे। ओके मोहिता जी, बिल्कुल लग्नेश का भी नीच भंग राजयोग हो सकता है। स्थितियां देखनी पड़ेगी अच्छे से बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे मैंने कुछ नियम और शर्तें या कंडीशंस बताई थी कि जिस नियम या शर्त या कंडीशन को पार करने के बाद ही सही से नीच भंग राजयोग बन पाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया है। तो यदि वैसा हो रहा है तो हाँ बिल्कुल लग्नेश का भी नीच भंग राजयोग बनेगा। लेकिन आपने यहाँ पर कहा कि लग्नेश की राशि में यदि राहु और केतु बैठे तो कैसा फल देंगे, तो लग्नेश पर डिपेंड करता है ना कि लग्नेश है कौन। अब जैसे मंगल लग्नेश, तो मंगल की राशि में यदि राहु बैठे हुए हैं आठ नंबर के साथ या फिर एक नंबर के साथ, मतलब मेष राशि या वृश्चिक राशि में, तो ऑब्वियसली राहु अपने बहुत खराब फल देंगे। इवन केतु भी एक नंबर या मेष राशि के साथ बैठे हैं तो अपने खराब ही फल देंगे। लेकिन हाँ,
यहाँ पर यदि ये शुक्र की राशि में आकर के बैठ गए राहु, जैसे 7 नंबर या तुला राशि के साथ, या फिर 2 नंबर या फिर वृषभ राशि के साथ, तो बहुत अच्छा फल देंगे। तो लग्नेश को देखना पड़ेगा कि लग्नेश कौन है। यदि लग्नेश अच्छे हैं तो वो ऑब्वियसली अच्छे, इन द सेंस कि जो राहु और केतु के मित्र हैं तो ऑब्वियसली वो अपने अच्छे फल देंगे, और लग्नेश की राशि यदि राहु और केतु की शत्रु राशि है तो वो अपने खराब फल देगी। अच्छा, इसे और ज़्यादा डीप यदि आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया कि राहु और केतु मारक ग्रह हैं या फिर योग कारक ग्रह हैं। उस वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको समझाई है, आप वहाँ पर जाकर के भी और डिटेल में देख सकते हैं। मोहिता जी के बाद आशीष जोशी जी मुझसे सवाल करते हैं कि दशा एनालिसिस का वीडियो प्लीज अपलोड कीजिए, आपने मोटा मोटा तो सब कवर कर ही लिया है एक्सेप्ट ये सब्जेक्ट, धन्यवाद। अच्छा, ये आपका सजेशन है। ओके आशीष जी, थैंक यू फॉर योर सजेशन। आप सभी के ऐसे सजेशंस की मुझे आवश्यकता भी है, आप प्लीज सजेशन देते भी रहिए और आपके सजेशन का स्वागत है बिल्कुल। मैं दशा एनालिसिस पर आपको वीडियो अपलोड करके दूंगा। इनके बाद में अनिर्बन जी मुझसे सवाल करते हैं, अनिर्बन मंडल। अनिर्बन मंडल जी, आपने तो मुझसे कंसल्टेशन लिया है, शायद आज या कल ही लिया आपने, दोनों दिन मुझसे कंसल्टेशन लिया है। हालांकि आपने जो प्रश्न पूछा ये 1 सप्ताह पहले पूछा होगा और कंसल्टेशन आपने आज या कल में लिया है, तो ठीक है। अनिर्बन जी का सवाल ये है कि 11th हाउस में 4 नंबर के साथ जुपिटर और केतु एक साथ हों तो जुपिटर का इफेक्ट क्या होगा। अनिर्बन जी, जुपिटर का इफेक्ट बहुत अच्छा होगा, वो उच्च राशि है 11वें भाव में 4 नंबर के साथ, और ये उच्च राशि बहुत ही अच्छे फल देते हैं धन के दृष्टिकोण से, तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, केतु यहाँ पर ख़राब है तो इसका डिग्री देखना पड़ेगा कि भाई कितने दूर है गुरु से। गुरु यदि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 डिग्री है, अब केतु जो है वहाँ 28 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो कोई बहुत इशू वाली बात नहीं है। इवन केतु 1 डिग्री 2 डिग्री तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। बहुत दूर दूर यदि गुरु और केतु बैठे हुए हैं तो गुरु बहुत ही अच्छा अपना रिजल्ट देंगे। हाँ, यदि पास में बैठे हुए हैं जैसे कि जुपिटर 10 डिग्री और केतु 12 डिग्री तो ये जरूर से दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर केतु का शांति करना चाहिए या केतु का उपाय करना चाहिए, जो मैंने उपायों का सीरीज दिया उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। अनिर्बन जी के बाद राजेश जी मुझसे सवाल करते हैं कि किसी व्यक्ति की शनि की 7.5 अच्छी होती है तो क्या शनि की महादशा भी अच्छी होगी। राजेश जी, यदि किसी व्यक्ति की शनि 7.5 अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि उसके शनिदेव बहुत अच्छे हैं, उसके चंद्र भी इवन बहुत अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली यदि शनि अच्छे हैं तो शनि की महादशा भी मोटे मोटे तौर पर अच्छी ही होगी। हालांकि शनि की महादशा बहुत लंबी होती है और इतना लंबा समय किसी का भी बहुत अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर मैं कहूँगा कि हाँ ये अच्छी होगी। इसके बाद में सुभाषिश जी मुझसे सवाल करते हैं कि शनि के ढैया पर भी वीडियो बनाइए, अभी वृषभ और कन्या के ऊपर चल रही है। सुभाषिश जी, बिल्कुल शनि के ढैया आपका भी सजेशन जो है ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ और इस पर भी आपको वीडियो ज़रूर से मिल जाएगा, 7.5 और ढैया पर। आपने कहा अभी वृषभ और कन्या के ऊपर चल रही है, तो वृषभ के ऊपर नहीं चल रही, मिथुन और कन्या और कुंभ के ऊपर चल रही है, फिर भी आपको ये वीडियो बना करके इसका मैं दूंगा। इसके बाद रवि जी मुझसे सवाल करते हैं कि मेरे कमेंट का आंसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, स्वागत आपका रवि जी, और भी आप प्रश्न कीजिए और उनका जवाब आपको दिया जाएगा। जैसा मैं कहता हूँ कि सार्वजनिक यदि प्रश्न है तो मैं उसका जवाब ज़रूर से आपको दूंगा, आपका प्रश्न सार्वजनिक रहा होगा और आज भी सार्वजनिक है, इस वजह से उसे लिया जा रहा है। आपने कहा कि मेरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि कुंडली में अगर कोई नीच राशि में कोई ग्रह हो और वो सूर्य से अस्त हो जाए तो क्या उसकी नीचता कम हो जाएगी, और क्या इसका रत्न भी पहना जा सकता है यदि वो अच्छे घर में बैठा हो वो नीच का ग्रह। तो रवि जी, ऐसा है कि ऑब्वियसली यदि कोई ग्रह अस्त हो गया तो उसकी रश्मियाँ कम हो गई, वो अपने प्रभाव कम दिखाएगा। अब वो अच्छा है तो ये तो ख़राब बात हो गई क्योंकि उसके अच्छे प्रभाव कम हो जाएंगे, लेकिन हाँ वो यदि नीच राशि स्थिति या फिर वो ख़राब है, कहीं से नीच भंग राजयोग का स्थिति नहीं बन पा रहा उसके साथ, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। उसकी वजह ये कि वो अपनी नीचता वाले प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, तो ऑब्वियसली आपने जैसा कहा कि उसके जो नीचता जो है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन अब आपने कहा कि क्या इसका रत्न पहना जा सकता है, तो आप ये देखिए कि क्या नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है। यदि बन रही है तो बिल्कुल उसका रत्न आप पहनिए, वो आपको अच्छे फल देगा। लेकिन यदि नीच भंग राजयोग की स्थिति नहीं बन रही है और वो नीच राशि ग्रह आपके लिए नीचता ही लेकर के आया है, खराब ही फल आपको देने वाला है, तो बिल्कुल आप उसका रत्न मत पहनिए और भगवान को धन्यवाद कीजिए कि सूर्य देवता ने उसे अस्त कर दिया, वो अपने नीचता वाले फल आपको नहीं दे रहा, चाहे वो किसी भी अच्छे घर में बैठे हो। हाँ, नीच भंग राजयोग यदि आप नहीं जानते कैसे होता है क्या बनता है, तो आप इस चैनल पर आप नीच भंग राजयोग नाम से वीडियोज भी देख सकते हैं, उस पर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिए, उन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। आने वाले वीडियो में और सवालों के जवाब लिए जाएंगे, कुछ सवाल ऑब्वियसली अभी रह गए होंगे एपिसोड नंबर 15 के भी, और भी आने वाले सवाल लिए जाएंगे आने वाले एपिसोड्स में से। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूँगा, धन्यवाद।